स्टार्ट में हम डायना को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठी रहती है। इसके पास ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन का एक लेटर आता है जिसके अंदर एक फोटो होती है वर्ल्ड वॉर वन के टाइम की। अब इस फोटो में डायना भी होती है, उस पर एक मैसेज लिखा रहता है जिसमें ब्रूस उससे कहता है कि मैंने ओरिजिनल तो ढूंढ लिया है, अब मैं चाहूंगा तुम अपनी स्टोरी मुझे खुद आकर के सुनाओ। अब इसके बाद हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहां पे डायना काफी छोटी होती है और वो एक आइलैंड पर रहा करती थी। इस आइलैंड पर रहने वाली औरतों को एमेजोन्स कहा जाता था और ये सब काफी खतरनाक वॉरियर हुआ करती थी। डायना की मदर उनकी क्वीन होती है और वो डायना को एक वॉरियर बनते नहीं देखना चाहती थी क्योंकि डायना उसके लिए काफी ज्यादा प्रीशियस होती है। इस वजह से जब भी डायना किसी प्रतियोगिता में भाग लेती है तो उसकी मदर उसे रोकती है क्योंकि उनकी नजर में डायना को वॉरियर नहीं बनना चाहिए। एक दिन डायना अपनी मदर से हिस्ट्री पूछती है धरती की, जहाँ पे उसकी मदर उसे समझाती है कि ज्यूस ने यहाँ पे इंसानों को लाया। इसके बाद इंसान काफी ज्यादा हंसी खुशी रहने लगे थे। उनकी खुशी एरिस यानी कि गॉड ऑफ वॉर से नहीं देखी गई, इस वजह से उसने इंसानों के अंदर हेट भर दी, जिसके बाद इंसान आपस में युद्ध करने लगे। अब उन्हें रोकने के लिए एमेजोन यानी कि हम औरतों को भेजा गया। इसके बाद चारों तरफ युद्ध हुआ और अब एक ऐसा आइलैंड यही बचा है जहाँ पे हम सभी एमेजोन्स बची हुई हैं। ऐसे में एरिस ने काफी खतरनाक युद्ध किया, उसने सभी भगवानों को हराया लेकिन आखिर में ज्यूस से वो हार गया और घायल होकर के वो अभी भी धरती में ही कहीं भटक रहा है। यहाँ पे डायना की मदर उसको ये भी बताती हैं कि उसको उन्होंने पैदा नहीं किया बल्कि मिट्टी से बनाया है और जब उन्होंने ज्यूस से आशीर्वाद मांगा था तो उसकी पावर की वजह से वो मिट्टी का पुतला डायना बन गया। यानी कि डायना बाकी सब अमेज़न से काफी ज्यादा स्पेशल है और उसके अंदर काफी सारी पावर्स हैं लेकिन इनके बारे में अभी डायना को भी नहीं पता है। और यहाँ पे होती है डायना की असली ट्रेनिंग शुरू, जहाँ पे उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि बाकी अमेज़ोनियंस के साथ किया जाता है और धीमे धीमे डायना भी उन सब की तरीके एक रफ सोल्जर बन जाती है। इस बीच डायना नोटिस करती है कि उसके अंदर कुछ सुपर पावर्स हैं, जैसे कि एक दिन उसकी टीचर उसके ऊपर अटैक कर रही होती है और अपने बैंगल्स का एक क्रॉस बनाती है जिसके ऊपर जब उसकी टीचर अटैक करती है तो एक फोर्स फील्ड क्रिएट होती है जिससे कि उसकी टीचर दूर गिरती है जाकर के। धीमे धीमे डायना समझने लगती है कि वो बाकी सभी अमेज़ोनियंस से काफी अलग है और उसके अंदर कुछ अलग तरीके की पावर्स भी हैं। अब एक दिन वो देखती है कि ऊपर से एक प्लेन आकर के पानी में क्रैश हुआ है उसके आइलैंड के ठीक सामने। इसके अंदर एक आदमी होता है जिसका नाम स्टीव होता है और वो प्लेन के साथ डूब रहा होता है। स्टीव को बचाने के लिए डायना पानी में कूद जाती है और उसे लेकर के बाहर आती है। तभी हम देखते हैं कि स्टीव को ढूंढते ढूंढते वहां पे जर्मनी सोल्जर्स आ जाते हैं और वो वहां पे स्टीव के प्लेन के मलबे को देख लेते हैं और उन्हें थोड़ी दूरी पर स्टीव भी दिखाई दे जाता है। वो स्टीव को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी वहां पे अमेज़ोनियंस आ जाती हैं डायना की मदर के साथ। वो सब लोग लड़ाई करते हैं जर्मनी के सोल्जर से, जहाँ पे उनकी हेल्प स्टीव भी करता है। लेकिन इस लड़ाई के बीच में जर्मनी के सोल्जर्स बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं और एक गोली जाकर के डायना की टीचर को लग जाती है जिससे कि वहाँ पे ही उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद अमेज़ोनियंस एक एक करके उन सभी जर्मन्स को मार तो देते हैं लेकिन डायना की मदर जब देखती है कि डायना की टीचर मर चुकी है तो इन सब का जिम्मेदार वो स्टीव को समझती है। वो स्टीव को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी डायना आगे आ जाती है और कहती है कि अगर ये ना होता तो शायद हम इस जंग को हार जाते। अब इसके बाद डायना की मदर स्टीव को ले जाती है अपने दरबार में और वहां पे उसे लॉसो ऑफ ट्रूथ जो कि एक रोप होती है जिसके अंदर आने में आप सच बोलने लगेंगे उसमें जकड़ करके बैठा देती हैं और उसे सवाल जवाब करना शुरू करती हैं। स्टीव उन्हें बताता है कि वो ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करता है और वो जर्मन्स के कैंप में घुस गया था तहकीकात करने के लिए। वहां पे उसे पता चला कि जर्मन्स का जनरल ल्यूडन अपने एक साइंटिस्ट के साथ मिलकर के एक ऐसा हथियार बना रहा है जो कि दुनिया में चारों तरफ तबाही मचा देगा। अगर हम उस हथियार को नहीं रोकते हैं तो दुनिया खत्म हो जाएगी। उसने उस हथियार को बनाने की डायरी को चुरा लिया और वहां से भागने लगा। तभी जर्मन्स उसके पीछे पड़ गए और उसका प्लेन इस आइलैंड में आकर के क्रैश हो गया। अगर वो समय पर अपने ऑफिस यानी कि ब्रिटिश में नहीं पहुंचेगा तो हो सकता है कि जंग एक अलग मोड़ ले ले और हम सब के सब इंसान मारे जाए उस केमिकल की वजह से। अब यहाँ पर डायना ये फैसला लेती है कि वो स्टीव की मदद करेगी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जनरल ल्यूडन कोई और नहीं एरिस है। वो अपनी मदर से कहती है कि मैं एरिस को रोक सकती हूँ। उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम बाहर की दुनिया में इंटरफेयर नहीं करते हैं और ये हमारी पहली शर्त रही है। लेकिन डायना का प्लान कुछ और ही रहता है। वो स्टीव को लेकर के वहां से जाने लगती है और अपने साथ साथ उस तलवार को भी उठा लेती है जिससे कि गॉड को मारा जाता है। इस तलवार का नाम गॉड किलर होता है और उसको लेकर के डायना वहां से निकल जाती है स्टीव के साथ आइलैंड को छोड़ करके और वो पहुंचती है ब्रिटेन में जहाँ पे
इसके बाद वो उस डायरी को लेकर के पहुंचता है अपने ऑफिसर्स के पास, जहां पे उसमें अजीब सी लैंग्वेज लिखी होने की वजह से वो लोग उस डायरी को पढ़ नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन डायना जो कि एक गॉड होती है और उसके अंदर पहले से ही शक्तियां होती हैं कि वो तरह तरह की लैंग्वेजेस को पढ़ सकती है, वो उस डायरी को बड़ी आसानी से पढ़ के उस मैसेज को डिकोड कर देती है और उन्हें पता चलता है कि वो जनरल ल्यूडन एक ऐसी गैस बना रहा है जिसकी हेल्प से सभी इंसानों को खत्म किया जा सकता है ब्रिटेन में। अब स्टीव यहाँ पे कहता है कि हमें जनरल ल्यूडन को रोकना चाहिए, लेकिन स्टीव के सीनियर्स ल्यूडन के समर्थन में होते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ल्यूडन ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जनरल के सीनियर ऑफिसर्स हमसे खुद बात करके कह चुके हैं कि वो इस युद्ध को विराम देना चाहते हैं और युद्ध जल्द ही खत्म होने वाला है। स्टीव जान जाता है कि उसके सीनियर्स उसका सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। स्टीव सीक्रेटली अपनी एक टीम बनाता है जिसमें कि एक्स सोल्जर्स, स्मगलर्स और अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जिनकी इस मिशन में काफी ज्यादा जरूरत होती है। डायना बार बार ये बोलती है कि वो एरिस को रोक के रहेगी, लेकिन स्टीव को नहीं समझ में आ रहा होता है कि एरिस आखिर में है कौन। वहीं दूसरे तरफ हम देखते हैं जनरल ल्यूडन को, जो अपने साइंटिस्ट के पास जाता है। उसकी साइंटिस्ट उसको एक कैप्सूल देती है जिसको सूंघने के बाद जनरल ल्यूडन की पावर कुछ अलग ही तरीके से बढ़ जाएंगी। वो जैसे उस कैप्सूल को सूंघता है उसकी पावर्स बढ़ जाती है और वहां पर रखी पिस्टल को हाथ से ही कुचल देता है। इसके बाद वो ये भी बताती है कि उसकी गैस तैयार हो चुकी है और ल्यूडन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहुंचते हैं उस आखिरी बंकर में जहां तक ब्रिटेन का कब्जा होता है और उसके आगे जर्मन सोल्जर लगे रहते हैं, तो वहां पे उन्हें एक औरत मिलती है। उसका गांव जर्मन सोल्जर्स ने कब्जे में ले लिया होता है। डायना उसको दुखी देख करके उसकी हेल्प करने के लिए उसके गांव की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन स्टीव उसको रोकते हुए कहता है कि अगर तुम वहां पे जाओगी तो तुम मारी जाओगी, क्योंकि ये नो मैंस लैंड है और यहां पे चारों तरफ ग्रेनेड्स और उसके साथ साथ काफी सारी गोलियां चल रही हैं। अगर तुम वहां पर पैर रखती हो तो तुम्हारे ऊपर बुरी तरीके से अटैक होगा। लेकिन डायना उसकी एक नहीं सुनती है और अपना केप हटाती है और अपने वंडर वुमन के सूट में वो उतर जाती है नो मैंस लैंड पे, जहां पे जर्मनी सोल्जर्स उसके ऊपर काफी बुरी तरीके से अटैक करते हैं, लेकिन एक भी गोली उसे लगती नहीं है क्योंकि अपनी शील्ड को लेकर के बैठी रहती है। धीमे धीमे वो आगे बढ़ती है। उसको आगे बढ़ता देख करके स्टीव और उसके साथी भी उसका साथ देते हैं और वो सब लोग जर्मन सोल्जर्स के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। काफी देर लड़ाई चलती है। डायना उस गांव में जाकर के घुस जाती है और चारों तरफ के शूटिंग पॉइंट्स को एक एक करके तबाह कर देती है, जिसके बाद जर्मनी सोल्जर्स वहां से भाग जाते हैं। अब गांव आजाद हो जाता है। सब लोग डायना और स्टीव और उसके साथियों का काफी बड़ा थैंक यू करते हैं और उसके बाद वहां पे उनकी एक फोटो लेते हैं। ये वही फोटो होती है जो ब्रूस ने डायना को भेजी होती है। वहीं दूसरी ओर स्टीव के पास फोन आता है उसकी सेक्रेटरी का और वो बता देती है कि जनरल ल्यूडन ने एक पार्टी रखी हुई है पास के ही कैसल में, तो तुम वहां पे जा सकते हो, उनकी लोकेशन तुम्हें पता लग जाएगी और तुम उसके साइंटिस्ट से बात करके उस जगह के बारे में पता लगा सकते हो जहां पे वो गैस रखी हुई है। स्टीव डायना से कहता है कि तुम वहां पे नहीं जाओगी, मैं अकेले वहां पे जाऊंगा, और वो कपड़े बदल के उस जगह पे जाता है। उसके सामने वो साइंटिस्ट आ जाती है जिससे बात करना वो शुरू कर देता है और उसको अपनी बातों में रिझाने लगता है। वो धीमे धीमे उसे लोकेशन लेने वाला होता है उस जगह की जहां पे वो गैस रखी होती है कि तभी वहां पे डायना आ जाती है और वो ड्रेस बदल के आई होती है। डायना को ऐसी हालत में देख करके स्टीव का मन मचलने लगता है और वो उसकी तरफ चला जाता है बात करने के लिए। साइंटिस्ट उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती है और वो वहां से चली जाती है। इस बीच डायना के सामने जनरल ल्यूडन आ जाता है जिसको वो बार बार एरिस कह रही होती है। वो ऑलमोस्ट उसके सर पर अटैक करने वाली होती है कि तभी स्टीव वहां पे आकर के उसे रोक लेता है और डायना को लेके वहां से चला जाता है। जब वो लोग वहां से बाहर जा रहे होते हैं तभी डायना नोटिस करती है कि जर्मनी के लोगों ने उस गैस का इस्तेमाल किया उस गांव के ऊपर जिसको अभी अभी डायना ने आजाद कराया था। वो भागती है उस गांव की तरफ, लेकिन तब तक देर हो जाती है और गैस की वजह से वहां का हर आदमी मारा जा चुका होता है। अब डायना गुस्साती है स्टीव के ऊपर, उससे कहती है कि तुम भी बाकियों की तरीके हो, अगर तुम मेरा साथ दे देते तो हम एरिस यानी कि जनरल ल्यूडन को मार देते और उसके बाद ये गैस यहाँ पे ना आती और ये गांव वाले ऐसे बेमौत मारे ना जाते। और वो वहां से स्टीव को छोड़ करके अकेला जनरल ल्यूडन के लोगों से लड़ने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर स्टीव के साथी स्मोक के थ्रू ये बता देते हैं कि कहां पे जनरल ल्यूडन और उसकी आर्मी है, जहां पे अकेले डायना पहुंच जाती है और लड़ाई करना शुरू कर देती है। वो पहुंचती है जनरल ल्यूडन के पास। ल्यूडन उस कैप्सूल को खा लेता है जिससे कि उसकी पावर्स बढ़ जाती है और वो डायना को पीटना शुरू कर देता है। शुरू शुरू में डायना के ऊपर काफी भारी पड़ता है। काफी मशक्कत के बाद डायना अपनी तलवार यानी कि गॉड किलर से जनरल ल्यूडन को जान से मार देती है, जिसको वो एरिस समझा करती थी। लेकिन डायना नोटिस करती है कि जनरल ल्यूडन के मरने के बाद भी जंग रुकी नहीं है और सोल्जर्स अभी भी गोलीबारी चारों तरफ कर रहे हैं और युद्ध अभी भी चल रहा है। इसके बाद स्टीव वहां से जाने लगता है ये कह करके कि उसे किसी भी हाल में उस प्लेन को रोकना होगा क्योंकि उसी के अंदर वो सारी गैस भरी हुई है। अगर वो प्लेन यहां से निकल गया तो एक जोरदार धमाका होगा और उसकी गैस से पूरा का पूरा ब्रिटेन खत्म हो जाएगा। डायना उसे कहती है कि मेरी मदर मुझसे सही कहा करती थी, इंसानों के ऊपर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, और वो उस मिशन से पीछे हटने लगती है।
स्टीव अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरे हम देखते हैं डायना को जो उस बिल्डिंग के नीचे खड़ी रहती है जहां उसने लूडन को मारा होता है। तभी वो नीचे देखती है कि एक आदमी खड़ा है जिसका नाम सर पैट्रिक है, और इस आदमी को देख करके डायना को अजीब लगता है और डायना जान जाती है कि यही है एरिस। सर पैट्रिक उसके पास आकर के खड़े हो जाते हैं। डायना अपनी गॉड किलर तलवार से उसके ऊपर अटैक करती है और सर पैट्रिक के टच से वो तलवार पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। पैट्रिक उसे कहता है कि गॉड किलर ये तलवार नहीं बल्कि तुम ही हो, तुम रानी और ज्यूस का मिश्रण हो, यानी कि उनके प्रेम की वजह से तुमने जन्म लिया है और तुम ही हो गॉड किलर, तुम्हें इस बात को समझना होगा। इसके बाद सर पैट्रिक और डायना की लड़ाई होती है जहां पे डायना उसके ऊपर लॉस ऑफ ट्रूथ और तरह तरह के वेपन से अटैक करती है, लेकिन सर पैट्रिक बड़े आराम से उसको पीछे फेंक रहे होते हैं। तभी डायना उस कैन को उठाती है जिसके अंदर वो सभी बॉम्ब होते हैं और उसको फेंक देती है एरिस के ऊपर। जोरदार धमाका होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं स्टीव को जो अपने साथियों के साथ उस प्लेन के पास पहुंचता है, और स्टीव का एक साथी उस प्लेन के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके अंदर टाइमर लगा हुआ है। वो स्टीव को बताता है कि ये प्लेन किसी भी हालत में फटने ही वाला है, इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं और इसे हमें बस यहाँ से दूर करना होगा। स्टीव ये फैसला लेता है कि वो उस प्लेन में जा करके बैठेगा और उसे हवा में ले जाएगा जहाँ पे धमाका होगा, और स्टीव वहीं पे अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा और बाकी सभी लोगों को बचा लेगा। ये सब करने से पहले वो भाग के जाता है डायना के पास और उसे अपनी घड़ी देता है। वो उसके कान में कुछ बात कहता है लेकिन धमाकों की वजह से डायना उस बात को नहीं सुन पाती है और स्टीव वहां से चला जाता है। असल में स्टीव को पता होता है कि अब वो बचने नहीं वाला है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डायना और एरिस की लड़ाई चल रही होती है। एरिस अपने असली रूप में आता है उस धमाके से बाहर निकल के और वो डायना से असली लड़ाई करना शुरू करता है। डायना एरिस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही होती है क्योंकि एरिस उसे काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वहीं दूसरी ओर स्टीव प्लेन को लेकर के हवा में चला जाता है और एक जोरदार धमाका होता है जिसमें स्टीव और उस प्लेन का वहीं पे खात्मा हो जाता है। डायना जो कि एक लोहे में कैद होती है वो ये सब देख रही होती है, और स्टीव को मरता देख करके उसके अंदर अलग से ताकत आती है। असल में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और ये बात डायना को तब पता चलती है जब स्टीव की मौत हो जाती है। वो अपनी असली पावर्स का इस्तेमाल करती है और एक बार में उस केज को तोड़ देती है। इसके बाद उसकी और एरिस की लड़ाई होती है। एरिस अपनी बिजली का इस्तेमाल करता है डायना के ऊपर, लेकिन डायना जो कि ज्यूस की बेटी है वो उस बिजली को बड़े आराम से मैनिपुलेट कर लेती है और उसका इस्तेमाल एरिस के ऊपर करती है। काफी देर लड़ाई चलती है और डायना आखिर में एरिस को जान से मार देती है और जंग वहीं पे खत्म हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डायना पहुंची है लंदन में जहां पे सभी सोल्जर्स की फोटो लगी हुई है जो कि इस जंग के दौरान शहीद हुए। इनमें से एक स्टीव भी होता है। स्टीव की फोटो को देख करके डायना वहां से निकल जाती है और हमें अभी का समय दिखाया जाता है जहां पे डायना अपनी वर्ल्ड वॉर के टाइम की फोटो को देख रही होती है। इसके बाद वो जाती है अपनी वंडर वुमन की यूनिफॉर्म को पहनती है और वहां से वापस इंसानों को बचाने के लिए निकल जाती है, और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।